लॉर्ड हमारी जो गुलटी ने ये पादरी लिखा है इसमें जो आला स्टीवट हफ्त महीने भर हम स्टीवट के बारे में यान भंडारी के बारे में सुनते आए हैं हमारे प्रचारक लोग हमारे पादरी लोग सब ने प्रचार किया है स्टीवट के बारे में यानी भंडारीपन के बारे में इसमें यहाँ पे पादरी लिखा हम भंडारीपन को यानी स्टीवट को ट्वेंटी सिनोनिम दिया है पादरियाँ बीस रकम से हम स्टीवट को पुकार सकते हैं उनका काम बीस तरह के होते हैं परंतु उसके और ज्यादा होते होंगे परंतु जो कुछ मैंने देखा यहाँ पे ट्वेंटी लास्ट वीक अब जाके इसके पढ़ा हम बोला जो एक एक चीज इसमें पादरीजा लिखा है तो बेकार नहीं है उसको पढ़ना चाहिए तो मैंने यह पढ़ा एंड आई फाउंड आउट ट्वेंटी सिनोनिम सिनोनिम के मतलब जो शिमिला वर्ड ऑलमोस्ट सो उपादी ने लिखा और इसमें में से मैंने पिक किया मैनेजमेंट यानी मैनेजर अभी मैं मैनेजर के बारे में बताऊंगा परंतु आज मैं आप लोगों से इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप निराश आए हो यहाँ से घर से निराश आए हो परमेश्वर के मंदिर में मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि जो कुछ मुझे मिला है उसके उसको लेकर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर कभी आपके हाथ छोड़ेगा नहीं कभी कभी सिचुएशन आता है समस्या ऐसी आता है कि हमारी सोच से बाहर है। हमारे समझ से बाहर है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते और ट्राई करते हैं उसके मैनिपुलेट करने के लिए घुमाते इधर से उधर और कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों हुआ परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपका हाथ कभी छोड़ेगा नहीं वचन कहता है माता पिता छोड़ देंगे परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा प्रेज द लॉर्ड कुछ भी हालात हो नेवर माइंड व्हाट इन योर लाइफ यू गोइंग थ्रू राइट नाउ आई वांट टू टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट लॉर्ड वॉचेस यू पुराना नियम कहता है पिताजी योवा कहता है आई वॉच यू गोविंग आउट एंड आई वॉच यू कमिंग इन बिकॉज यू वा माई फ्रेश प्रोडक्ट सबको परमेश्वर ने बनाया है हाथ कहा, है, कहा उसके बोल से शब्दों से सब कुछ हुआ है परंतु मनुष्य आपको परमेश्वर ने ढांचा मिट्टी उठाकर सान के आपको बनाया है चाहे खाला चाहे गोरा चाहे लंबा चाहे छोटा चाहे मोटा मोटा तो हम लोग अपने सोते हैं कुछ भी हो परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप में आओ हम मनुष्यों को बनाए अपने स्वरूप में और प्रभु आता था और बातचीत करने के लिए जो अपने प्रोडक्ट को जिसको परमेश्वर ने बनाया क्योंकि वो इतना प्रीति रखता था इतना प्रेम उससे रखता था प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे परमेश्वर के हम सेवा करते हैं विल गो टू चैप्टर चेप्टर फोस वन एंड टू मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे प्लीज इफ यू हैव योर बाइबल डोंट रिलाई ऑन दैट ओपन योर बाइबल मार्क दोस मार्क दोस फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है फिर भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो क्या हो विश्वास योग हो विश्वास योग निकले वेट वन प्लीस अगेन वेस्ट वन इन टू टूगेदर कैन यू मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती भंडारी में यह बात देखी जाती है कि हर एक भंडारी अगर उसके कुछ दिया गया है कार्य करने के लिए कुछ को सौंपा गया कुछ कारने के लिए कुछ करने के लिए तो वो विश्वास योग्य निकले तो हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद पिताजी क्योंकि हम जानते हैं ये वचन मैंने नहीं बनाया ये वचन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिली है और आज ये वचन को हम और गहरी रूप से सीखेंगे और जानेंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है और उसको तरह तरह से एग्जाम्पल बताएंगे परमेश्वर कि हमने जो कुछ सीखा है जो कुछ हमने हमारे अंदर आपने डाला है आप लोग के लोगों तक हम पहुंचा सके और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो सुनते होंगे ऑनलाइन प्रभु जी उनके आत्मा को खोल ताकि वह समझ सके कि परमेश्वर आपके जो प्रेम है आपके अनुग्रह हमारे समझ से बाहर है धन्यवाद प्रभु यशुमसी आप पवित्र नाम से आमेन 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 हम लोग इतना बात जानते कि हमारे आप लोग स्टीवर्ड एक 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 एक, एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है आप स्टीवर्ड हो स्टीवर्ड के मतलब आपके दिया गया जो ग्रेट कमीशन हम पढ़ते हैं मैथ्यू 28 18 टू 20 में जो पढ़ते हैं इसीलिए जाओ देशों में जाओ सारी यूदिया में जाओ येरूशलम में जाओ समरिया में जाओ और लोगों को आई डोंट वॉन्ट टू डूल ऑन दैट टू मच परंतु एक बात मैं बचाना चाहता हूँ कि आपको जो दिया गया हम नहीं कहते हैं कि आप जाकर वहाँ पे बोलो वहाँ पे बोलो वहाँ पे जहाँ आपके परमेश्वर के आत्मा ले जाए वहाँ पे बोलो वो ब्लू जो ब्लू वाला भरोसा रहा कौन कौन दीस है कोई हम लोग क्या देना था कौन कौन दीस हम तो दिया है जब दिया थैंक यू शिशा बंद राम दिया तो आज हाथ हाथ उठा लेता लास्ट वीक पादरी बोल रहे हम हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि मैं नहीं दिया था महीना भर रखा रहा परंतु हमारे अंदर काटा काटा और मैं गया वहाँ पे सुपर मार्केट में मैं जाता हूँ वही मनुष्य बहुत रकम रकम के आदमी मिलता है और मैं पाक कर रहा वहाँ पे गया कुछ खरीद के मैं और मेरी पत्नी आया लास्ट वीक संडे के और जैसे उसमें बैठा वैन में रिवेश किया मैं देखा पीछे एक टैक्सी खड़ा है और हम आ वहाँ पे आवे जब मैं रिवेस किया उसने रिवेस किया मैं सेम टाइम बाहर निकला जल्दी से मैंने कहा अच्छा तुम, उसे, तुम पाक मैं तो हाँ, एक चीज हम तुम्हें दी फेंकना नहीं इसके पढ़ना या परमेश्वर के पर्चा है हम किनो यहाँ से आए असेंबली गोड के आपके देता है इसमें हिंदुस्तानी में भी लिखान है और अंग्रेजी में लिखान है पढ़ना अगर नहीं पढ़ना फेंकना नहीं किसी को देना क्योंकि मैं जानता हूँ टैक्सी ड्राइवर हम ढेर जने बैठे हैं और वो अगर नहीं पढ़ी तो लेके चल दी यानी या वहां पे डैशबोर्ड में रखा रहे या कॉन्सोल के ऊपर कोई देखेगा ये क्या है उस जिसके इंटरेस्ट जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम जागेगा जिसको पवित्र आत्मा स्ट्राइक करेगा वही उठाई बट आई टेल यू वन थिंग That we 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 are 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 stewards. If if given our task, if we are requested to to do this, to give it out, give it out. यही चीज हम लोग मासी विश्वासी में थोड़ा कड़ा पकड़े हम दे पता नहीं कौन सी बोले वो कुछ बोले देखा जाए एक बोली भैया नहीं मंगता है एक के बाद बोली तो चला जाओ मैं जाता हूं सेमेट्री में हिंदुस्तान भी लास्ट वीक गया टू सेमेट्री डाल फ्यूनरल वहां पे और उस सब कहा वो अपन अपन बात करते सब बैठ जाते हैं मैं अकेला खड़ा रहता हूं मैं तो ठान लिया मेरा पत्नी जानती है एक एक ही बात वे हमसे कहेंगे तुम बैठा नहीं तुम चल दो यहाँ से हम चल देगा बोल लो रिस्टार्ट करके नो प्रॉब्लम बट आई विल ऑलवेज ऑन आ माई गॉड आई मैन बिकॉज आई एम परमेश्वर के क्या हो भंडारी हूँ भंडारी उसके वचन के भंडारी हूँ परमेश्वर के वचन को हमको बांटना है उसके भंडारी हम लोग जानते हैं, वचन में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु से बड़ा भंडारी कोई भी नहीं कोई भी नहीं भंडारी प्रभु यीशु के बराबर कभी भी नहीं हो सकता भंडारी परंतु आज हम एक जन को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे जो प्रभु यहां है तो यहां है वो भंडारी सबके घर में आपके सबके घर में वो भंडारी परंतु हम लोग नजरअंदाज कर देते वो भंडारी और वो है हमारी मां हमारी मां जो जब से बच्चा पैदा होता है उसके बारे में वो जानती है बच्चा कब रोता है क्या मांगता है दूध मांगता है डायपर चेंज करता है और क्या करता है बच्चा उल्टा है या उसके सांस रुके माता जानती और कोई माता नहीं जानती मरियम जो प्रभु यीशु के मम्मी जब उसको जिब्राल आया और उसको बताया कि तुम्हारे एक पुत्र होने वाला उसने कहा मैं तो कोई आदमी को नहीं जानती मैं तो शादीशुदा शुदा कैसे परंतु उसने कहा सुंदर आत्मा ने कहा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा कि परमेश्वर के संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं और उसके जो, जो, जो स्वर्गदूत आया था उसने कहा कि मैं परमेश्वर के पास खड़ा रहता हूं और मेरा नाम क्या है क्या है बादी नहीं बताना क्या है मेरा नाम किसने मरियम के पास वो मैसेज लेके गया किसने एलिजाबेथ के पास मैसेज लेके गया किसने सारा के पास वो मैसेज ले गया कौन वो स्वर्गदूत था काना फूसी नहीं करो बताओ जल्दी से कोई जने जी डरो नहीं भैया बोल दो गैब्रियल लॉर्ड गैब्रियल लेके गया वो मैसेज और गैब्रियल ले गया और जो जो बातें गैब्रियल ने कहा मेरी से मरियम से कहा मरियम ने कहा होने दे जैसे परमेश्वर की इच्छा लॉर्ड वहां से मरियम के स्ट्यूवशिप यानी मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ किस तरह के मैनेजमेंट अपने बच्चे उसका घर में पालने के लिए बाद में पैदा हुआ फिर मैं बताऊंगा वो सब इस मैनेजमेंट आपके मम्मी आपके घरे आप स्कूल जाते हो नौकरी से आते हो रकम रकम चीज बना रखा है ठंडा और मम्मी आज गुलगुला बना रहता कितना अच्छा रहता मम्मी अच्छा बेटा बिहान बना देगा बना दे मम्मी चाहे कुछ भी करते हुए मम्मी काम बनाओ दो रोज़ बाद मम्मी बड़ा बनती कितना अच्छा रहता ऐसे मम्मी बनाती है तुम्हारे कपड़ा आयन करती है जगह जगह से तुम्हारे चीज़ों को सजाती है तुम्हारी मम्मी कभी कभी और पिताजी क्या करता है काम से आके हम नहीं बोलता कि सब पिताजी कोई कोई पिताजी के जल्दी नहाए धोए के कुछ नहीं करे करे कुछ करे भी नरजंद करके नहाए के और सेठी में बैठ के और चले जाओ के पे किस पर या, चीज साहब को छूट जाए नहीं छूटना ये चीज तो बैठ जाता और पत्नी लेके आती है और चाय देती है और कंप्लेन आता है पति की तरफ से चाय में अदरक कमती है That's a complaint. नहीं जानते कि माता कहाँ-कहाँ से कहां के किस किस व्यवस्था से वो लाती है कैसे लाती है और जुटा कर और आपको देती है यही सोचती कि मेरा पति थका ना थका मांदा आया है और उसके सेवा करती है पूरे परिवार के मैनेजमेंट करती है केवल पति के, के शुरू में पति के जब शादी होता वो आती है नहीं जानती पति के इंटरेस्ट क्या है पत्नी बोली पहले दूसरा इंटरेस्ट रहा पति के जब मिलता रहा जब फियोंसी फिओंसे रहे तब मिलता रहा इंटरेस्ट नहीं बतावे जब शादी हो गया इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आवे मांग के ऊपर मांग आवे तो स्त्री काम हम चीज बनाओ मसाला जस्ती है माँ जीप काटे मसाला जस्ती अरे वो नहीं जाने का है तरकारी छौका ऐसे प्याज अभी तक उज्जर है प्याज बरान नहीं ये सब हम है परंतु वो बिचारी जो कुछ वो जानती थी वो करती है एक एक काम माँ करती है अपने बच्चे जब बच्चे हो जाता है जैसे मैंने कहा उसके बारे में वो जानती है हर एक तकलीफ से गुजरती है दौड़ती है बच्चा रोता दौड़ती हुआ दौड़ती पति के लिए दूसरा बच्चा होता है दूसरा बच्चा के लिए दौड़ता है फिर दौड़ते हैं दूसरा बच्चा के लिए कभी कभी बच्चा एक एक साल में होता है दौड़ो ही बच्चा दौड़ो बच्चा ही दू साल के ही एक साल के दौड़ो दौड़ते रहो यही मम्मी करती है रात में जब हम सो जाते हैं तब वो सी घर साफ बर्तन धोती है सिंह कोच के हमारे घर एक रूल है जो लास्ट मैन है उसके काम है सब पावर पॉइंट देखो और जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रॉयर बरे उसके देखो ऑफ करो कभी कभी हमारी पत्नी सो कभी कभी वो लास्ट रहे और और कुछ बरा रहे और पल्ला देखो लोक है कि नहीं खटिया पर से कमर फेंक के उसके जाना पड़ता है जाओ देखो कि ऑन है कि नहीं उसके आते आते हमारे नाक बजे लगे परंतु वो जाती है जिम्मेवारी है मैनेज करती है अपने परिवार को फ्रॉड अन अगर नहीं मैन बोलू अभी आप लोग के हम खड़ा करके एक्सरसाइज करवाएगा सोना नहीं वैसे होती हमारी माँ हर एक जन का ख्याल करती है तो जिब्राइल जब आकर मरियम से कहा कि तुम्हारा ये होगा वो होगा बताकर तो जि मरियम भाग कर गई एलिजब के पास क्योंकि वो जो स्वर्गदूत उसने कहा कि तुम्हारी कुटुंबनी है उसका भी बच्चा है छठवा महीना चल रहा है तो वो एक बात है फिर जब बच्चा हुआ तो वहां पर क्या हुआ कौन बच्चा देखने के लिए क्रिसमस के टाइम कौन फेस्टाइज रात में भेड़ा चरा रहे थे कौन इस वेस्ट? आप आना है शेपढ़ राइट और जब मंजा में वहां पे देखे बच्चा को और जो जो बातें उन्हें कहा जो जो बातें वे लोग ने कहा मरियम अपने दिल में रखती थी क्योंकि वो मम्मी थी और उसके जो हालात में बच्चा पैदा होना था वो सब याद रखती थी कि, कि किसने कहा किसने कहा तो वो मम्मी और हमारी मम्मी हमारी मम्मी के पास तकलीफ मुसीबत सब चीज उस उस मम्मी के परमेश्वर के महिमा रहा उसके ऊपर परमेश्वर के आशीष रहा हमारे मम्मी तो उस तरह के होती है जैसे व्यक्ति चट्टान पे घर बनाता है तूफान आती है फ्लड होता है बाढ़ आती है हवा आती उसको मारती है तकलीफ उठाते शैतान आता उसको तकलीफ देने के लिए कि मैंने तुम्हारे पति के यहाँ देखा वहां देखा तुम्हारे बच्चों को यहाँ देखा ये सब शारीरिक शैतान जो लाता है वो तूफान हवा लाकर मम्मी को मारता है कि इसके अभी जो विश्वास है डमाडोल हो जाए और जो शैतान है वो खुशी करे परंतु मम्मी उस तरह है हर एक मम्मी आप लोगों को मैं दाँत देता हूँ धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि आप मसीह में हो आप उस तरह के हो, जिस तरह के मनुष्य घर बनाता है बालू पर नहीं रेता पर नहीं परंतु पत्थर पर अपना नींव डालता है दुख आता मुसीबत आता आप स्थिर रहते हो आओ कुछ मारो पिता घबरा जाता है मेरा एक समय था दस पंद्रह साल पहले तो हम लोग के पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं रहा उस समय और चला रहा कंस्ट्रक्शन करे हम करता रहा करता रहा करता, रहा, करता रहा, पैसा काम लगा हमारा भाई पूछे कितना हम बोला ये पूछे कितना काम तो हम पैसा लाता हम जनता हमारे पास नहीं है और काम लग गए पैसा हम लोग के बिकॉज जॉब मिल गया अब पैसा काम है चार पांच हजार माँ भाई बोले कितना कोई तुम बताओ तो हम सोचा कोई एक मांगी अपने भैया या बहन बहनी से बताई दिया पांच हजार के बोले मैं दूंगी अब तो हम शौक हो गया इसके पास कहाँ से आई से डाउट हो लगा हमें हम तो काम पे जाता है दिन में ये कहीं जाए काम करेगा का। अच्छा ठीक पैसा दे दीस हला पैसा यूज कर लिया अब आदमी के तलब दे के पैसा माई गॉड इज माई वीटनेस एंड माई वाइफ या और उसने कहा कि अब मैम मुझे और काम लगा तब तो मैंने कहा हमें अब कहा का वहीजेस देखे टू थाउजेंड डॉला इस वीक के कैसे हुई कहाँ से नहीं वरी करो हम देगा उसके बाद में हमारी वाइफ बड़ी हम और रखा है सेवन थाउजेंड टोटल में शी है फिफ्टीन थाउजेंड कैश हमारे घर पर कहाँ से निकाली हमारे जेब में से जब बचे हम कभी नहीं जेब चेक करता आज आजकल हम बंद कर दिया ये करेंगे बैंक अकाउंट खोलता वहीं रख देता मशीन में छोड़े से पहले मैं चेक करता हूँ सब यहाँ आजकल वो खोजते खोजते थक गई आजकल खोजे भी नहीं अगर बीस डोला भी नहीं तो धोएक में मिल जाए फ्रो इज द लोट आई एम सो थैंकफुल कि मैनेज करे सू घर को शी वॉज मैनेजिंग माई फाइनेंशस आई डेंट नो दैट आई वॉज ओब्लिवियस टू दो माई उससे बेखबर था परंतु वो सब कुछ मेरे लिए करे पूरा फैमिली के लिए उस समय हमारे बच्चे सभी उसमें पढ़ते रहे फिन टी सी में खा खा पढ़ते रहे आई नीडेड मनी दैट्स वो पिता के बोले कि आई यू डू दी वी पिता पैसा नहीं नेक्स्ट वीक नहीं मम्मी बोली नहीं अद यहाँ रखा ने तुम इतना यूज कर लो इतना बचाया लास्ट वीक शॉपिंग में से आई कम एन आई गिव एंड आई गो टू दैंक आई टी एम में से पैसा निकलता हूँ आई गिव टू माई वाइफ दिस इज फॉर द टाइप एंड दिस इज फॉर योर शॉपिंग उसमें में से वो बचा कर रखती है

हमारे लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए ताली बजाओ हमारे लिए नहीं वहां पर हम एक, एक चीज देखा एक चीज देखा से प्रचारक आवे जो चीज़ हम लोग के पादड़ी रोज रोज बोले हर हफ्ता बोले वो अगर बोल दीज़ बाहर एक पादरी इतना थपोड़ी लगे सके हम बताए खुंजी हो जाए हम लोग कुछ और बोलता है हा इसीलिए प्रभु यीशु कौन हुए हमारे बाप दादे ही बहुत मुहावरे बहुत मैं जानता हूँ बाप दादे बोले कि घर के मुर्गी दाल बराबर जैसे रोज दाल खाते हो वही रकम घर के मुर्गी काट भी दो दाल बराबर इसके मतलब बाहर जाओ राम सामी आला मुर्गी लेके आओ नहीं तुम आज पकाते पकाते गिर जाए दिस इज वॉट वी डू कड़ा कड़ा मुर्गी हम लोग खरीदता बिकॉज सेवन डोला एक में मिले ट्वेंटी फाइव डोला में तीन मिले कि चार क्या हुआ हम लोग के प्रचार में कौन सी गड़बड़ पादरी लोग के प्रचार में कौन सी गड़बड़ कुछ उल्टा उल्टा, उल्टा बोले थपोड़ी हम लोग के लिए नहीं मारो प्रभु के लिए मारो उसकी बड़ाई करो उसकी महिमा करो उसकी प्रशंसा करो अभी हम लोग कितना गाना गाया है ये बात अभी मैंने कहा संगीत में भी भाई जोशुआ ने कहा कि सब कोई छोड़ दे परंतु परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा फिर भी हम परमेश्वर के इतना नीचा दर्जा देते हैं क्यों रॉन्ग वही आपके आवाज दी से हम लोग के यहां पादरी लोग के बोले काम नहीं सब कोई हाथ उठाओ बोले काम नहीं सब कोई मुंह खोलो परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे अंदर जब आवे है जब आई यू विल लिफ्ट अप योर हैंड्स बाय सेल्फ बाउट वन मंथ पहले पादरी सलेश ने कहा यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ मैं नहीं कहूंगा कि प्रशंसा करो यू मस्ट डू इट एंड आई वेंट कहा पादरी वेरी गुड थैंक यू सो मच आपके अंदर जब वो जागेगा परमेश्वर के प्रति लॉड थैंक यू दैट आई एम फाउंड या आप लोग थपोड़ी मारोगे प्रभु के लिए उसकी प्रशंसा उसकी उपासना हम तो आज है कल नहीं रहेंगे परंतु परमेश्वर के वचन सदा रहेगा मैथ्यू ट्वेंटी फोर फाइव कहता है आकाश और पृथ्वी चलेगी कुछ भी होगा परंतु मेरा वचन इस, के इस ना उसमें एक सुन्ना निकलेगा ना उसमें एक सुन्ना जोड़ा जाएगा मेरा वचन मेरा वचन है द लॉर्ड इसमें तो थपोड़ी मारो लॉर्ड दूसरा समय मैरियम के दिन ये आया कि जब उसका बच्चा हुआ सात रोज के तो मरियम और उसके पति का नाम मरियम के पति का नाम हमें जो नो क्विज रख के पड़ी मरियम उसके पति का नाम यूसुफ मंदिर में ले गए यरूशलम में और वहां पे एक हद एक, 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 एक भविष्यवक्ता था वहां पे उसका नाम रहा साइमन वो परमेश्वर बूढ़ा हो गया था परमेश्वर उसको कहा कि देखो जब तुम इज़राइल के जो-जो-जो-जो-जो सोलवेशन ना देखोगे तब तक तुम मरोगे नहीं जाए के वचन में पढ़ना आप लोग मैथी में और ये आपको पता लगेगा। लूका में पढ़ना ये पता लगेगा तो वहां पे जब वे गए वहां पे तो वो उठा कर परमेश्वर से विनती किया और क्या, क्या क्या शब्द बोला वो शब्द सब जो जो बातें वो कहता मरियम अपने हृदय में रखती थी मरियम अपने हृदय में रखती थी आप लोग अपने घर में जो जो बातें अपने पत्नी से कहते हो अच्छा बात पत्नी बनाती है कोई चीज पत्नी कपड़ा सीती है सिलाई करती कुछ भी आपके लिए बुनी है बच्चों के लिए ऑल्सो नीड्स प्रेस कभी हमने अपने पत्नी के प्रेस किया आज इतना सुंदर अगर हम नहीं प्रेज करेगा देगा हमारा वाइफ हमसे उल्टा पूछ दी कैसे तरकारी कल रात के पूछी कैसे तरकारी और मैंने कहा सुपा प्रेज सलोर सी दे प्रेज तारीफ अच्छा बनाया ये सवाल दूसरा है कि आप अपने घर मनुष्य पिता है खाना बनाते हैं स्त्री नहीं बनाती तो दिस डिफरेंट स्टोरी आई टॉकिंग अबाउट द मदर्स दे आर द बेस्ट मैनेजर देर इज नो चैलेंज टू देट सो कितना काम करती है पानी बरसता दौड़ती क्योंकि मेरे पास मेरे साथ ये होता है दैट्स टेलिंग ये होता है पानी बरसे दौड़ो कपड़ा उठाओ अभी दो तीन महीना से जो हालत है सुबह में बहुत बुरी हालत है जो उठाओ पहनो वहां टांगो ये करो ऊ करो ड्राइम छोड़ो आइन करो कोई रकम से गरमाए के झुराए के आपके लिए वो तैयार करती है मैं आज तक कपड़ा आइन करे नहीं जानता हूं मैं अपने पत्नी से कहा मुझे सिखाओ वंशीवाजी ने कुछ दिन रही बख्शी हफ्ता हमारी जो बहू है वो कपड़ा आइन करके देती थी पांच बजे हम लोग सोते हैं वहां पे हमारे घर में खटर मटर होती है क्योंकि हमारी बहू जग कर और अपने बच्चों के अपने पति के हमारे दोनों जन के लिए वो खाना तैयार करती है मशीन ऑन करते बगल में मशीनें ऑन कर देती है और यही हम सोते हैं टाइम से पहले हम सोते 6 बजे उठ जाए 5 बजे ऑन कर दे गे हम जग जाता परंतु वो अपना काम करती है हम कभी उससे नहीं कहते हैं कि कहा इतना जल्दी ऑन कर दिया बिकॉज शी शीज टू मैनेज आ टाइम मैनेज द फैमिली उसको नौकरी पर जाना है कितना समय ऐसे हुआ आप लोग के जीवन में होता है कि नहीं हाथ उठाओ होता है कि नहीं हाथ उठाओ आप लोग के कोई कोई जीवन में नहीं अच्छा कोई बात नहीं परंतु हुआ है कभी ना कभी और ऐसे होता है खोई नहीं सके इसके नकारे कि नहीं हुआ या नहीं होता है तो मरियम क्या था मरियम फिर आई अपने घर पर तो उसका बच्चा जब बढ़ा बढ़ते बढ़ते बारह साल के हुआ तो फसा के पर्व के दिन वो गए जेरूसलम में वहां पर फसा के दिन कुछ दिन रहे वहां दो तीन दिन वहां से जब लौटे तो वे रास्ते में क्या देखा कि उसका बेटा उसके साथ नहीं और बेटा यीशु उसके साथ नहीं है तो वो परिवार के बीच में खोजी और नहीं मिला देन शी वेंट बैक टू बैकूषा फिर लौट के गई वहां पर और व्हाट सी सो शी सो सन यानी यीशु मसीह उसका पुत्र बारह साल के और जो जो बड़े बड़े प्राचीन लोगों जो बड़े लोगों को जो बुजुर्ग के पास जो नॉलेज एंड विजडम से भरे जो 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 टीचर्स ऑफ द लॉ रहे उनके साथ बैठ कर और वो वार्तालाप करता है और ये गए अपने बच्चे के जब लेने के लिए तो बच्चा इससे क्या कहा हम पढ़ें बाद में पढ़ेंगे अपने घर पर जाकर पढ़ें लुका में है लूका चैप्टर टू केर यू ऑन रीड यू नो ऑल दोज थिंग्स और बाद में है पढ़ते जाना प्रभु ईश्वर के बारे में जाने की कि क्या क्या है उसके मम्मी तो जो बातें वे लोग उसके मम्मी से कहें उसके मम्मी अपने दिल में रखती थी सब बातें दिल में रखती थी हर एक बात दिल में रखती थी इसी तरह हम सब लोग हैं ये खाली मम्मी नहीं हम लोग मनुष्य हम लोग जन जन सॉरी मनुष्य तो सब है आदमी लोग हम लोग के भी दिल में वो बातें मांगे रहे परमेश्वर के प्रति अगर आप यहाँ आए हैं तो यू हैव टू बी फाउंड जैसे मैंने कहा चैप्टर तो, विश्वास योग तुम्हें तो यह काम दिया गया विश्वास हमें नहीं बिकॉज आई एम आर लीडर ऑफ आई ग्रुप हमारे सब चीज नहीं है यू नो वन टाइम पादरी ब्रदर यू कम यू हैव टू डू इज जस्ट ओवर सी लेट द पीपल डू हम लेट द पीपल डू करेगा हम लोग संजय तक करते रहेगा आर यू अ ग्रुप आर दम्बाती के मेंबर्स uh, uh, नहीं हो आप सूबा के मेंबर्स नहीं हो आप नंदावा नेपानी नंदेरा के मेंबर्स नहीं हो आप वाले लेबू के मेंबर्स नहीं हो आप किनोया के मेंबर्स नहीं हो लोता बीच के, के आप मेंबर्स हो तो जो कुछ काम आपके दिया दादा रिक्वेस्ट है कभी पादरी दबाव नहीं करीस कभी बोर्ड दबाव नहीं करीस कभी लीडर्स दबाव नहीं करीस या आपके विरोध कोई रकम के बात बोलिस कोई से नहीं आया पे। तो आप जब वहां के मेंबर हो हम लोग मसीह के मेंबर्स है हम लोग उसके जो शरीर है उसके भाग है अगर हाथ नहीं काम करेगा तो उसके बोला जाए कौन सी बोला जाए अगर कोई मनुष्य के हाथ और पैर काम नहीं करे तो हम लोग उसके बोल जाए इनकेपेबल बिकॉज पूरा नहीं काम करे तो परमेश्वर के जो शरीर है इनकेपेबल होता यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच इज यू पीपल हम लोग इनकेपेबल हो जाता साथ चल नहीं पाते तो जो काम हम दो घंटे में करते वो काम हमें तीन घंटे में करे पड़े जो एक रोज में करते है, हमें तीन रोज में करे पड़े वाई बिकॉज देर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स कैसे चलिए इसे अगर आप नौकरी करते हो नौकरी के स्थान पे यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट तुम्हें यह प्रोजेक्ट करना है यू हैव टू डू इट इफ यू डोंट डू इट विल बी चेक आउट और काम बहुत मुश्किल से मिले एक काम खाली जल्दी मिले जो चोरी वाला बहुत जल्दी को भी सके उसके में जाए परंतु और अच्छा अच्छा काम बहुत मुश्किल से मिले तो कौन सी होता है क्या होता है लोगों के बीच में हमारे बीच में हमको वो काम करना जो हमें दिया गया है और किस तरह का करना विश्वास योग से उसको हमें करना है फॉर ऑल पीपल ऑल ऑफ यू जहां जहां नौकरी करते हो या कर चुके हो यू हैव टू बी फाउंड विश्वास योग तो घर में क्यों नहीं मसीह में क्यों नहीं हम लोग फिसल जाते हैं तकलीफ में हो जाते हैं बाहर एक ही चीज दबा देता तो ऐसे होता है इसी तरह मरियम हर एक चीज अपने अंदर रखती थी रखती थी रखती थी युना चप्टा टू में जब काना में गए हो वेन दे वेंट टू काना इन गैलीली वहां पे क्या था काना में काना में क्या था एक जगह हम काना में सुना पहले शुरू में कि काना में शादी था और शादी में प्रभु यीशु मसीह भी आमंत्रित किया गया था उसके मम्मी चली गई और मौसी लोग गए हुए वते परिवार प्रभु यीशु मसीह भी गया अपने दोस्तों के साथ और वहां पे गया और वहां पे बैठा था और क्या होता है वहां पे कि थोड़े देर में क्या होता है वाइन खत्म हो गया वाइन खत्म जो भंडारी रहा जो मैनेजर रहा वहाँ पे जो 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 इवेंट का मैनेजर था वो घबराने लगा क्या होगा अब यहाँ के सोचे हुए कैसे बराती आएंगे यहाँ मनते नहीं रहा आजकल भी ऐसे बराती आए जाए नगोना खलास हो जाए दौड़े पड़े जहां पे ब्लैक मार्केट नगोना जगह नगोना है कि नहीं भैया पियो वही रकम उसी तरह हुआ वाइन खलास कौन सी करा जाए तो क्या होता है परमेश्वर के मम्मी के कान में आवाज गया कि वाइन खलाश तो उसने क्या कहा उठी गई प्रभु यीशु के पास और उसने कहा कि वाइन खत्म हो गया वाइन वाइन खत्म फिनिश तो प्रभु यीशु ने उससे कहा हे स्त्री अभी मेरा समय नहीं आया है तो खत्म के बात है इज विल फाइंड इट इन जॉन चैप्टर टू सो प्रभु यीशु ने फिर देखा उसके मम्मी उठी प्रभु यीशु के पास से हटी और वहां पे जो चेल जो जो, जो सेवन करे थे उस मम्मी ने उससे कहा कि जो कुछ ये कहेगा वो तुम करना क्योंकि वो छोटे से लेके अपने जो बेटा जो पैदा नहीं होता उस समय से लेकर जब बड़ा हुआ हर एक चीज वो अपने हृदय में जुटा कर रखती है इसी तरह आपके मम्मी लोग जुटा के रखते शी नोज द केपेबिलिटी ऑफ योर ऑफ यू पीपल इफ यू आर अ चाइल्ड मम्मी जानती हमारे बच्चे का कितना केपेबिलिटी है कितना खोची चाहता है कोई कोई तो ठीक है परंतु अगर पति के परिवार आ जाए तो कोई परिवार भले लेमचॉप खाए कोई कोई फिश खाए तो दू रकम चीज पत्नी बनाती है बिना हल्ला करे बिना कुछ कोई कोई लड़कन ऐसे होता हमारे घरे हुआ लड़कन बच्चे को कोई समय चौरैया खाए उसमें बैगन नहीं छोड़ना और कोई कोई मांगे बैगन कैसे बनी इसमें कैसे एक एक बैगन निकली परंतु वो बनाती है आधा चौरैया ऐसे आधा चौरैया वैसे एक एक जन के वो ख्याल करती है इफ यू आर अ मादा एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट आई एम सरप्राइज एंड आई विल बी सरप्राइज तो प्रभु यीशु के माँ सब चीज जुटाए के रखी से आपके मम्मी लोग यहां है आप सब कुछ जुटाए के और अपने अंदर रखते हो और आज जैसे मैंने कहा आपको धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर के लोग है जो प्रभु के लोग है जो परमेश्वर के विश्वासी है वो संसार की तरह नहीं है संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वचन के विपरीत है यानी कि उसके ऑपोजिट है तो हम जब प्रभु के पास आते हैं अगर हम सेवक के नहीं आते हैं प्रभु यीशु ने कहा मैं संसार में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं सेवकाई कि मैं सेवा टहल कराऊं परंतु इसलिए आया हूं कि मैं सेवा करूं पता नहीं किससे बात करता पर कोई बात नहीं हाँ परमेश्वर तो यही बात बोली से कि मैं सेवा करने आया हूं अभी तक सेवा करे कैसे सेवा करे पिता के पास बैठकर आपके लिए मेरे लिए विनती करे अभी भी क्योंकि उसको हमारी चिंता है हमारी चाल चलन की चिंता है क्योंकि उसको चिंता है स्वर्ग के और नरक के चिंता है। वो जानता है स्वर्ग में क्या मिलेगा वो जानता है नरक में क्या मिलेगा तो जैसे यहां परमेश्वर के बटन वचन बांटा जाता है अगर हम लोग रास्ते में ताकते हुआ पानी बरसे कि नहीं रास्ते में ताकते हुआ मोटर नीचे आवे कि नहीं कितना टैक्सी चले कितना बस चले जाते तो आप वो मन्ना जो परमेश्वर दे रहा है यू विल मिस आउट और हम यूज पूछ दिया अभी हम कौन सी बोला रहा याद रखना जिसके पास है उसको और दिया जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है जो कुछ उसके पास है वो भी लिया जाएगा परमेश्वर जो है गॉड ऑफ जस्टिस सबके एक बराबर देखता है कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं आप सेवक आज मम्मी लोग हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको यहां खड़ा होकर मैं सल्यूट करता हूं क्योंकि आपने जो कुछ करके अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया परमेश्वर देखता है देखता है देखता है। हम लोग तो आदमी लोग कोई कोई सब नहीं अजगर है ये सब चीज़ बोलियो खाली जाए भीतर कुछ होवे नहीं है परंतु हमारी पत्नी हमारे बारे में चिंता करती है। हमारी पत्नी हमारी शेट कोट हमारा टाई हमारा सॉक्स हमारा वेस्ट उसके बारे में चिंता करती है एवरी संडे निकल के इसे रख जाए मैचिंग टाइम सब चीज़ हम नहीं चूज करते बिकॉज शी इज मैनेजिंग शी इज मैनेजिंग द फैमिली हमारे बच्चे आईने वाला कपड़ा पहने हमारे पति कहीं महिला नहीं लगा रही उतारो ये दूसरा पहनो देट इज वॉट अदर डस जिस जिसके पास शादी नहीं हुआ अगर शादी होने वाला है आप लोग ख्याल करोगी कि मैं क्या एंड वी विल रेस्पेक्ट अवर मादस एस अ गुड मैनेजर एन न धन्यवाद 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 प्रभु की जय हो परमेश्वर के प्रशंसा सदा होती रहे और हम परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और उसके जो कुछ मनोकामना है कभी कभी हम समझ नहीं पाते परमेश्वर के मनोकामना है वो पादरी से बात करता है उसके विजन उसके मिशन प्रभु के तो वो हमको डेलीगेट करता है ए काम ए काम ए काम अगर आपको सेक्रेटरी कहा गया है वुमेंस मिनिस्ट्री के मेंस मिनिस्ट्री के तो डू इट डिलीजेंटली यानी विश्वास योग्य ठहरो आप वहाँ के प्रेसिडेंट हो विश्वास योग्य ठहरो आप एक जगह के एरिया मिनिस्टर हैं और वहाँ के मेंबरान हैं विश्वास योग्य ठहरो आपके बुलाया गया है ट्रिपल लेन जो मेरा ग्रुप है यहाँ पे साफ करने के लिए पहले मैं नोटि, नोटिफिकेशन भेजता था रिमेंबरेंस रिमाइंडर्स एक रोज पहले परंतु आप नहीं भेजता हूं क्योंकि विश्वास योग्योलोर एम हम प्रार्थना करें पिताजी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते इस समय के लिए धन्यवाद आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद आपके वचन के लिए जो हमारे मुख से निकलाए हम जानते प्रभु अच्छी जगह पे गिरे और जो फल लाए सौ गुना के अलावा कुछ भी ना लाए प्रभु जी धन्यवाद पिता धन्यवाद आप बढ़े हम सब घटे और हर एक माताएं जो अच्छा स्थिति रहे जो अच्छा मैनेजर आए उनको हम धन्यवाद देते हैं तो मेरे परमेश्वर उनके द्वारा हम जो परिवार है स्थिर रहे और स्थायी रहे आप में धन्यवाद तो प्रभु ये आपके पवित्र नाम से हम दुआ को करते हैं आमेन आमेन और आमेन